ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि व सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो को ज्ञापन सौंपा। बांदा जनपद के कमासिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि व सचिव के द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किए जाने व भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक भी विकास कार्य नहीं किया गया और विकास कार्य के नाम पर सचिव और प्रधान प्रतिनिधि मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व सचिव की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं उनके नाम पर प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा रुपए की मांग की जा रही है और जो आवास बन चुके हैं उसकी मजदूरी भी अभी तक नहीं आई। वहीं कई ग्रामीणों के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की भी जांच कराई गई है, लेकिन बिना बताए व बिना जांच किए शिकायत का अधिकारियों के द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को प्रधान प्रतिनिधि व अधिकारी के द्वारा मिलकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण व ग्रामीण महिलाओं ने खंड विकास अधिकारी को घेराव कर ज्ञापन सौंपा और जांच कराकर दोषी प्रधान प्रतिनिधि के व सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। शुभम वाजपेयी, वंदे भारत न्यूज, बबेरू, बांदा। गुरुवार के 40,000 के 10,000 अपना ले ली थी, 41 निकल रहे हैं, 61 निकल रहे हैं। मजदूरी का पैसा अभी तक नहीं है, ज्यादा जाए थे तो कहा था मैं का करो, ऊपर से ही सब हम दिया हूँ। साल भर हुई तो कहा थे कि किसके नाम से आया था आवास आपका? सुधा के नाम। सुधा के नाम से कब आया था, कितने महीने पहले? कितने साल हो गए? एक साल हो गए। आवास बन गया आपका? नहीं बना, अभी पूरा लीटर रह गया। कितनी किस्तें आपको मिल चुकी हैं? दो किस्त मिली है, बाकी तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई। नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? अब हम क्या जाने, जाते हैं पढ़े लिखे वहाँ तो जाने कागज में देखा यही था तो कहीं जब ऊपर से आई तब मिली, कौन का पैसा भी नहीं मिला। कौन कह रहा कि जब ऊपर से आके तब मिले? प्रधान बोल रहा है। हजारों का पर्ची ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। यहाँ बहुत से लोग आज कमासिन ब्लॉक में इकट्ठा है, क्या मामला है, किस कारण से इकट्ठा है? कमासिन ब्लॉक में जो महिलाएं इकट्ठा है, लगभग एक साल पहले इन लोगों को आवास मुहैया कराए गए सरकार द्वारा, लेकिन इनसे 10-10, 15-15, 20-20 हजार तक प्रधान ने लिया भी, इसके बावजूद भी आज एक साल हो गए इन लोगों की मजदूरी अभी तक इनको मिली नहीं। साथ ही ग्राम पंचायत में महज 20% वर्क हुआ है, बाकी सारा पैसा यहाँ के जो सचिव और प्रधान और जो वीडियो साहब भी, ये सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, सब लोग उनका परसेंट खा रहे हैं। तभी मेरी कम से कम 4-6 जांचें आई हैं, उनमें भी से कोई भी सारी जांचों में जो है सीधे निराधार होने के कारण जो है निस्तारित की जाती, सारी जांचें अपने आप जो है जांचों में हमको बताया नहीं गया, जो कि मैंने हर एप्लीकेशन हर स्टाफ में भी मैंने जांच कराई, लेकिन सब लीपा पोती करके पैसा रुपया देके यहाँ पे सब एक भी काम नहीं हुआ। आप मौके में कोई भी अधिकारी कर्मचारी आ जाए वो मौके पे देख सकता है, न तो कोई सफाई हुई है, न अभी अमृत सरोवर बना वो भी देख लीजिए क्या हालत पड़ी है, गौशाला की देख लीजिए, हैंडपंप मरम्मत देख लीजिए, गांव की नालियाँ, आरसीसी, खरंजा सब, अभी बरसात काफ़ी दिन हुए बंद, फिर भी देख लीजिए जाके नर्क में लोग जी रहे हैं, अभी भी गाठिन गाठिन तक समझ लो पानी, कीचड़ में लौट के आ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास पूरी पूरी तरह से कमासिन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कमासिन में सब किया जा रहा है, ये सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ जब कोई काम नहीं होता तो जांच क्यों नहीं होती, ना तो वीडियो साहब जो भी जांच अधिकारी आते हैं वो महज एक दो बार पूछ भर लेते हैं, इसके बाद निस्तारित करके भेज देते हैं। सरकार से तो विकास के लिए काफी पैसा सरकार है। सरकार ने जो जांच एजेंसियां तैयार जैसे IRGS और तमाम एजेंसियां हैं जो जांच की, वो कह रहे हैं कि इनमें से ये इथराइज नहीं किए, DM साहब ही कराएंगे तभी होगा, मतलब ये लोग या सरकार ने जो सारी ये चलाई है व्यवस्थाएं जांच की, ये मतलब फर्जी है, ये हम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और इसमें खाना पूर्ति करके ये सब लोग इसमें बंदर बांट करते हैं, सारे धन का बंदर बांट किया, 5 साल में एक भी वर्क नहीं है यहाँ पे तमाशे, पूरी तरह से लूट घसोट चल रही है। तो क्या इसमें अधिकारियों को भी मिली भगत होती है? बिल्कुल, पूरे अधिकारी यहाँ से ऊपर तक
पूरी मिली भगत है, इसीलिए कोई कर, मैं वीडियो साहब से कहा भी तो कह रहे प्रधान दबंग है। अरे दबंग है तो आप इस्तीफा दो, दबंग है तो कौन कह रहा है? वीडियो साहब ने मुझसे सामने में मेरे कहा है कि प्रधान दबंग है, हम कहते हो कुछ करता नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं माननीय वीडियो साहब, क्या कर रहे हैं भाई? सरकारी अधिकारियों का आप जो है फायदा उठाए उसमें आप कार्रवाई करें प्रधान के खिलाफ, सचिव के खिलाफ। अभी अभी 47-50 लाख अभी निकाल लिए गए और फर्जी निकाल लिए गए, एक भी वर्क, एक भी परसेंट वर्क नहीं हुआ। ये क्या हो रहा? फर्जीवाड़ा बंदरबाट नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? ये स्थिति है ग्राम पंचायत कमासिन के, ब्लॉक कमासिन की, क्या खूब सरेआम लूट चल रही है। थाने में रसोई में एक तो RCC बनाई जा रही तो सब लोग उसी में पैसा निकाल ले रहे हैं। ये स्थितियां हैं, कायदे से अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ 20% वर्क नहीं है। नहीं तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस, योगी जी तो काम कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। योगी जी का कौन सा दोष है? योगी जी सारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जब विकास जो है जमीन पे आ ही नहीं रहा, ऊपर डका रहे सारे अधिकारी लोग, ऊपरे सारा पैसा का बंदर बांट करके ऊपरे विकास हो जाता है, हवा में सारी RCC नाली सफाई और अमृत सरोवर सब कुछ हवा में बना, देख लीजिए। ये मेरी बात तो माननीय मुख्यमंत्री और जिले के जो है जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और इसकी जांच हो वास्तविक। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इस ब्लॉक का कोई अधिकारी कर्मचारी या प्रधान दोषी पाया जा रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनकी जांच हो। तो आपने कभी लिखित में कोई शिकायत? मैंने कम से कम 4 से 10 लिखित शिकायतें की है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, वो कभी भी कोई अधिकारी मुझसे ले सकते। तो जितनी आपने शिकायत उसमें किसी प्रकार कोई कार्रवाई कोई सब निराधार पाके सब निस्तारित किया जाता है, बस ये स्थितियां हैं। जो रिपोर्ट लगाई जाती होगी, जो आख्या लगाई जाती होगी, उसमें आपसे जानकारी ली जाती होगी? कोई जानकारी ना, कोई पूछताछ, बस इस बार अभी अभी एक इसके पहले निस्तारित कर चुके हैं, एक जांच अभी अभी आई तो उसमें अभी कुछ नहीं किया।